1905 को कांगड़ा में भूकंप आया था, जिसमें 20,257 लोगों की मृत्यु हुई थी और 38,000 के करीब पालतू पशु मारे गए थे। 4 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार द्वारा लोगों को भूकंप के प्रति जागरूक करने के लिए कई स्कूलों में मॉक ड्रिल द्वारा जागरूकता अभियान अग्निशमन अधिकारी द्वारा करवाया गया। इसमें भूकंप आने पर किस प्रकार से हम अपना और औरों का कैसे बचाव कर सकते हैं, यह समझाया गया। अग्निशमन विभाग की तरफ से करमचंद लीडिंग फायरमैन, अमरचंद ड्राइवर द्वारा बच्चों को मॉक ड्रिल द्वारा जागरूक किया गया। ठीक हो, बैठो, अब बैठ जाओ, ठीक हो ना, ठीक है, अब ठीक हो गया। भूकंप के बारे में सारी चीजें आपको बताई गई हैं, बीच बीच में कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। ये नहीं है कि ये एक स्कूल का ये मंच है, यहाँ तक ही सीमित है। ये हमारे जीवन में हर जगह हमें काम आएगा और हमारा सबका ये दायित्व है कि जहाँ भी हो सके कहीं भूकंप आए तो हमें लोगों को उससे बचाना चाहिए। रह जाते हैं, उससे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो आपको बच्चों, सबसे पहले मेरी सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, यथा योग्य। मैं आज आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, फायर से भी, भूकंप से भी, स्काई लॉन जो भी है, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताऊंगा। तो अब अचानक से कोई चीज होगी तो उस बात आपके वो बहुत सोचने समझने की टाइम नहीं आपके पास होगा, आपको उसी समय योजना बनानी होगी कि मुझे क्या करना है, कि मुझे कैसे बचना है और मेरे बाकी साथी हैं उनको कैसे बचाना है मुझे। और ब्रिजेश्वरी टेम्पल जो है पालमपुर, ये पूरी तरह से ये शहर जो है ध्वस्त हो गया और आपके इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हमने बैनर्स पे भी जो है यहाँ पे डिस्प्ले की है, तो उसमें कुछ मंदिर दिखाई दे रहे हैं, कांगड़ा किला, जो किला है ये कांगड़ा का, नूरपुर का, तो इससे रिलेटेड है कुछ मंदिर भी दिखाए गए हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा इसमें जो है ध्वस्त इनकी विनाशकारी भूकंप जो आया। बहनों मेरा आज का वक्तव्य है प्राकृतिक आपदा और भूकंप। आज प्राकृतिक आपदा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हम यहाँ आपदा पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रोतागण, आज से कुछ वर्ष पहले 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में भयावह भूकंप आया था। उस समय कांगड़ा में अत्यधिक तबाही। कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है तो इसका स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, इसका मैसेज जन जन तक जाना चाहिए और लोगों की, अधिक से अधिक लोगों की मदद की जाए ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार का और नेशन न्यूज़ का, जो इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं और जन जन तक इसको पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। नालागढ़ से नेशन न्यूज़ के लिए आरती शर्मा की रिपोर्ट।